आपको मैंने जैसे कि तब से बताया कि यहाँ पर एंड्रॉइड सिस्टम की सिर्फ 1% है, ठीक है। ये क्लासेस बेसिकली एंड्रॉइड सिस्टम के ऊपर हो रहा है। DCSE बहुत बड़े लेवल पे होता है, ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों क्लासेस प्रोवाइड किया जाता है। क्या आपको पता है एक एंड्रॉइड सिस्टम को हैक क्यों किया जाता है? ताकि किसी का सोशल मीडिया को कॉम्प्रोमाइज किया जा पाए, किसी पर्सनल डिटेल्स डॉक्यूमेंट्स को निकाला जा पाए, किसी क्रिमिनल को पकड़ा जा पाए, किसी के लोकेशन को ट्रैक किया जा पाए, ये बहुत सारी चीजें। इसको एथिकल और नॉन एथिकल दोनों पे किया जा सकता है, ठीक है। तो अब हम आपको दिखाने वाले कि एक एंड्रॉइड सिस्टम कैसे हैक किया जाता है। उससे पहले जो सबसे बड़ी नीड वाली चीज है वो स्पाई नोट। स्पाई नोट कितना है? $499 का, मतलब इंडियन रुपीज में देखा जाए तो करीब 42,000 रुपए का, जो लिटरली आम इंसान अफोर्ड नहीं कर सकता, शायद रिच क्लास भी अफोर्ड नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि इतना महंगा सिर्फ सॉफ्टवेयर लेना लिटरली संभव नहीं है। लेकिन ड्रॉप ऑर्गेनाइजेशन आप लोगों को सॉफ्टवेयर दे दिया है, तो आप लोग अपना पेन ड्राइव ऑन करिएगा और पेन ड्राइव में आप लोगों को सब कुछ प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो पेन ड्राइव आप लोगों को प्रोवाइड किया गया है, ठीक है। ये जो स्पाई नोट है आप गूगल पे जाकर के चेक कर सकते हो और ऑनलाइन प्राइस कर सकते हो, ठीक है। तो देखो यहाँ पे आप लोगों का स्पाई नोट हम इंस्टॉल कर चुके हैं, ठीक है। आपके पेन ड्राइव पे स्पाई नोट जावा सभी कुछ है, आप लोग सेटअप कर लो अपना अपना, ठीक है। अब देखो यहाँ पर हमें प्रोटोकॉल का इस्तेमाल करना। प्रोटोकॉल क्या होता है? आप लोग DCSE पेज में विद्युत प्रोटोकॉल नेटवर्किंग देखे होंगे। बहुत लोग बोलते हैं ना, सर मुझे नेटवर्किंग बहुत आता है। देखो उनको खुद नहीं आता तो यार सामने वालों को हम क्या सिखाएंगे, बट जितना आता ना मेरे लिए काफी है, एक सिस्टम को कॉम्प्रोमाइज करने के लिए बिल्कुल काफी है। नेटवर्किंग समझने के बाद ही आप किसी स्पेसिफिक सिस्टम को कॉम्प्रोमाइज कर सकते हो। तो सिस्टम किसके ऊपर आता है? नेटवर्क के ऊपर रहेगा, और नेटवर्किंग जानने के बाद ही नेटवर्क रहेगा। मतलब मान लीजिए कि हम आपको अच्छा बोले, हमको बुरा बोलना चाहते हैं, आपने मुझे बुरा किया, हम बुरा बोलना चाहते हैं, हम मराठी बोल रहे हैं आप बंगाली समझते हैं, तो यार लिटरली हम कुछ भी बोलते हैं आपको पता नहीं चले, कुत्ता भी बोले, बेवकूफ भी बोले तो आपको समझ नहीं आने वाला, कोई भी वल्गर लैंग्वेज इस्तेमाल करें तो आपको पता नहीं चलेगा। इसलिए हम दोनों का सिमिलर नेटवर्क पे रहना, सिमिलर लैंग्वेज पे रहना मतलब मैंडेटरी है। इसी के लिए नेटवर्किंग समझना जरूरी है कि भाई हम उस सिस्टम तक पहुंचेंगे कैसे, हवा में तो कूद के नहीं पहुंच सकते। इसके लिए स्किल को लेकर चलना चाहिए, ठीक है, पढ़ना पड़ेगा, चलना पड़ेगा। तो जैसे कि देख सकते हो यहाँ पे मेरी सॉफ्टवेयर ओपन हो चुकी है, मैंने बिल्ड कर लिया है, और आप लोग के बीच में जैसा अभी जस्ट बोले किसी एक का एंड्रॉइड सिस्टम हैक किया, तो किसका है आप लोग को अभी नहीं पता। एक्सेस लेंगे और यहाँ से हम स्टेप कुछ चलाएंगे और आप लोग को पता चल जाएगा, ठीक है। तो बैठा था चट्टानों पे यूं गुम सुम सुम, सारी रातें थी बर्बादी थी और दिन सुन सुन, सच है मैं काबिल था पर जानू नहीं क्यों। जैसे कि हम आपको बोले कि आप लोग के बीच में किसी एक का, आपको पता है ये जो टारगेट है, थोड़ा दिखाइए टारगेट यहाँ पे, ये जो टारगेट देख रहे हो आप लोग के बीच में किसी एक का विक्टिम है। असल में यहाँ पे बहुत सारे विक्टिम बना सकते थे, लेकिन आपको ट्रस्ट इशू ना है आप लोग के बीच में कि सर कब किए क्या हो गया। इसके लिए यहाँ पे बस जस्ट दिखाया जा रहा है, आप लोग प्लीज देख सकते हो पूरे स्क्रीन को। यहाँ पे राइट क्लिक कर रहे हैं तो सिस्टम का सारी फाइल्स हमें देखने को मिल रही है। हाँ बिल्कुल वही सिस्टम जो सिस्टम आप लोग के बीच में है। अब ये किसका है आप लोग खुद गेस करेंगे कि सिस्टम किसका है। इसमें फाइल मैनेजर में फोटो वीडियो MP4 MP3 जो भी चीज़ें हैं सब दिखेगा। क्यों कर रहे हैं ये सब चीज़ें और सिखा क्यों रहे हैं आप लोग को? क्योंकि आप लोग सिक्योरिटी के बारे में पता चल रहा है। एक डॉक्टर को सिर्फ पेड़ फाड़ना ही नहीं आता, सिलना भी आना चाहिए, और सिर्फ सिल करके भी कुछ नहीं होगा, उसको ऑपरेशन करेंगे फाड़ना ही पड़ेगा। तो यानी कि ऑफेंसिव और डिफेंसिव दोनों साइबर सिक्योरिटी में सीख करके रखना पड़ेगा। हम लोग ऑफेंसिव सिक्योरिटी नहीं सीख रहे या डिफेंसिव, हम लोग साइबर सिक्योरिटी सीख रहे हैं। तो इसमें ऑफेंसिव और डिफेंसिव दोनों चीज़ें आप लोग को समझ करके चलना पड़ेगा। तो जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे हम लोग राइट क्लिक किए, अब SMS के ऊपर आ रहा है कि हमारे मोबाइल नंबर से किस किस लोगों को SMS किया गया है, ठीक है। और अब यहाँ पर बहुत सारे लोग देख पा रहे कॉल लॉग्स को, ठीक है। चलिए एक सबसे बड़ा चीज़ बताते हैं कि ये मोबाइल है किसका, जिसका मोबाइल है उसे भी नहीं पता होगा। आप ही सब ऐसे बीच में से किसी एक का मोबाइल मैंने कॉम्प्रोमाइज किया है, ठीक है। अगर कोई डेटा नहीं पहचान पा रहा है तो यहाँ से मेरे पास ऑप्शन है कि मैं उसका कैमरा हैक कर लूँ और कैमरा दिखाऊँ। अब देखो मैं कैमरा एक्सेस लेने वाला हूँ, देखो फ्रंट कैमरा बैक कैमरा दोनों ही एक्सेस ले सकता हूँ यहाँ से, फ्रंट बैक दोनों, मतलब मैं चाहूँ तो इसका भी एक्सेस ले लूंगा और इसका भी एक्सेस ले लूंगा। और सबसे बुरी बात यह है ना, उसे पता तक नहीं चलेगा। सबसे बड़ा दिक्कत है कि उसे पता तक नहीं चलेगा। यहाँ पे बैक का कैमरा हम यहाँ पे ले रहे हैं और जैसे ही हम एक्सेस लेते हैं तो आप लोगों में से बीच में किसी एक का कैमरा ओपन हो गया है, आप लोगों में से बीच में किसी का कैमरा ओपन हो गया है, ठीक है। तो अच्छा देखिए, असल में मैं फ्लैश जलाता हूँ, देख लो पता चल जाएगा किसका कैमरा है, उनका कैमरा है। Really? हाँ बिल्कुल। तो असल में उस सिस्टम को हैक किया गया था। देखो ये कब होगा कैसे होगा फिर इस चीज को समझना पड़ेगा आप लोगों को। इसको समझने के लिए देखो फ्रंट कैमरा इसका ओपन हो जाएगा और पता भी नहीं चलेगा, ठीक है। हाँ देखो यहाँ पे आपकी शक्ल दिख रही है, यहाँ पे आपकी शक्ल दिख रही है, देखो यहाँ पे हो ना। तो इस सेगमेंट से एक एंड्रॉइड डिवाइस को हैक किया जाता है, इसे समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। बिकॉज क्या बोलते हैं इसको,
14 फरवरी आ रहा है, वैलेंटाइन डे आ रहा है, तो बहुत लोगों को ये काम आएगा, ठीक है। तो ये तो सेगमेंट को लेकर के चल रहा है, ये सब सिक्योरिटी बैंक का बहुत इनहेंसिंग चीजें हैं। अच्छा, इसमें लोकेशन ट्रैक भी हो सकता है, मतलब कहाँ पर वो बंदा बैठा हो या वो पर्सन बैठा हो, मोबाइल बैठा हो, सभी कुछ यहाँ पे डिटेल्स मिल जाएगी अगर जीपीएस ऑन रहेगा तो। आपका गैलरी ओपन हो जाएगा, कौन कौन सा एप्लीकेशन इंस्टॉल्ड है वो भी जानकारी मिल जाएगी। अब बोलो किसके और किस बड़े लेवल पे इस्तेमाल किया जा सकता है। आपको पता है कि हम अभी कोई मैसेज करेंगे, एसएमएस करेंगे, टेक्स्ट करेंगे, वो भी डिटेल्स उसके पास पहुंच जाएगा। अब सोचो अगर उस डिटेल्स पहुंच रहा है, हम यहाँ से एसएमएस एक्सेस कर पा रहे, तो मेरा सोशल मीडिया हैक हो जाएगा, मेरा बैंक अकाउंट हैक होने का डर है क्योंकि ओटीपी मेरा एक्सेस पे आ गया। तो इस तरीके से किसी स्पेसिफिक एंड्रॉइड सिस्टम को, एंड्रॉइड डिवाइस को हैक किया जाता है, जैसे बहुत बड़े लेवल पे है। तो मैं आपको असल में ही परेशान कर रहा था एंड्रॉइड डिवाइस को, जो आपने कॉम्प्रोमाइज किया, जो कॉल आ रही थी और आप बोल रहे कॉल कौन कर रहा, कॉल मैं ही कर रहा था, जो यहाँ से क्या जा रहा है, यहाँ तक कि मैं किसी भी नंबर को कॉल कर सकता हूँ, 7477465। देखिए यहाँ पे, देखिए मैंने यहाँ पे कॉल लगाया अपने मोबाइल से बिना टच किए, मेरा कॉल लग जाएगा और जिसे लगाया मैंने, तो दिखा आप लोगों को कि हम तो यहाँ पे कॉल नहीं लगाए, लेकिन उस मोबाइल को हैक करके, मुझे दिखा वैसे इस मोबाइल को हैक करके असल में हमने इस मोबाइल को कॉल लगा दिया। ये साइबर सिक्योरिटी वो डार्क चीज़ें हैं, वो डार्क एंड्रॉइड हैकिंग भी यूज़ किया जा रहा है, जो पता भी नहीं चल रहा कि कॉल लग कैसे रहा। तो इन सब चीज़ों को आप लोगों को समझ करके चलना है, जान करके चलना है, ठीक है। इसके अलावा भी और भी बहुत कुछ है इसमें ऑप्शन, जस्ट लाइक यहाँ पे हम लोग चैट्स को देख सकते हैं, चैट्स हैकर्स के साथ चैटिंग कर सकते हैं, ये सब चीज़ों को यूज़ करना, ये सब चीज़ें यहाँ पे हैकर्स के लिए आती है। अगर आपने इस पूरी वीडियो को देखा, इस पूरी वीडियो सीरीज़ को देखा, तो आपको समझ में आ चुकी होगी रियल लाइफ हैकिंग क्या होता है। मैं कोई थ्योरेटिकल बातें नहीं करता, वो प्रैक्टिकल लैंग्वेज, वो प्रैक्टिकल वे पे मैं बात करता हूँ जो आप सीखना चाहते हो। अगर आप साइबर सिक्योरिटी अपना कोर लेवल की नॉलेज चाहते हो, तो डिस्क्रिप्शन मेरी कोर्स है, 7000 रुपीज़ का, सर बहुत महंगा है, लेकिन मैं बता देना चाहूँगा आप EMI में 2000 डाउन पेमेंट करके आप EMI से कोर्स स्टार्ट कर सकते हो। अगर आप भी इस लेवल की सिर्फ और सिर्फ एंड्रॉइड हैकिंग मैंने बताया, तो पूरे DCSC का सिर्फ 3% या 4% मैक्सिमम टू मैक्सिमम होगा, तो बाकी सारे परसेंटेज में क्या है। अगर आप पूरे के पूरे कोर्स करना चाहते हो, तो इंक्वायरी भी कर सकते हो या फिर डायरेक्ट आप एडमिशन ले सकते हो। न्यू ईयर आ रहा है, तो न्यू ऑफर के साथ हैकर्स पेन ड्राइव आप लोग फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर दी जाएंगी। जय हिंद, होप हम कोर्स में जल्दी ही मिलेंगे।